हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर पी एस टी न्यूज पर। आज की जो वीडियो में बात करेंगे हम राहुल गांधी, क्या राहुल गांधी को अब वापस मिलेगा पुराना सरकारी बंगला? अयोग्या ठहराए जाने के बाद किया था खाली। राहुल गांधी की संसद सदस्य बहाल होने के बाद अब उनके सरकार बंगले में वापसी की बात तो हो रही है। राहुल ने 22 अप्रैल को अपना सरकारी आवास खाली किया था। राहुल की संसद में उस समय वापसी हुई है जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है। राहुल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाषण भी दे सकते हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी की संसद सदस्य आज बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर कांग्रेस नेता को संसद की सदस्य देने का आदेश दिया। नया आदेश शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को राहत देने के बाद आया, क्योंकि कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में उनकी दोषी सिद्धित पर रोक लगा दी थी। लोकसभा सचिवालय द्वारा पिछली अधिसूचना 24 मार्च को जारी की गई थी, जिसके एक दिन बाद राहुल को 2019 के मोदी सरनेम मामले में गुजरात की सूरत अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था। राहुल गांधी को वापस मिलेगा सरकारी बंगला। राहुल गांधी की संसद में उस समय वापसी हुई है जब विपक्षी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करने से एक दिन दूर है। इस बीच राहुल गांधी को जल्द ही दिल्ली में अपना आधिकारिक आवास भी वापस मिल जाएगा, जो उन्हें सांसद के नाते मिला था। राहुल का आधिकारिक निवास 2005 से राष्ट्रीय राजधानी में 12 तुलक लेन बंगला था। 22 अप्रैल को बंगला किया था खाली। राहुल गांधी ने 23 मार्च को दोषी ठहराए जाने के एक महीने बाद 22 अप्रैल को अपना सरकारी आवास खाली कर दिया था। गुजरात की जिला अदालत द्वारा 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अयोग्यता के बाद सांसदों को अधिकतम एक महीने की अवधि के लिए अपने आधिकारिक आवास को बनाए रखने की अनुमति होती है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।